मीडिया पर यार नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। पीएम मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन का करेंगे भूमि पूजन, लोकसभा स्पीकर ने घर जाकर दिया न्योता। किसानों से बातचीत से पहले पीएम मोदी ने की 2 घंटे बैठक, इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का 10वां दिन दिल्ली के विज्ञान भवन में चली बैठक में 40 किसान रहे शामिल। विज्ञान भवन में हुई बैठक में सरकार ने कृषि कानून में संशोधन का रखा प्रस्ताव, किसान नेता बोले इसे रद्द किया जाए। किसानों का प्रदर्शन हुआ उग्र, किसानों के समर्थन में भारतीय परिवहन संघ ने 8 दिसंबर से हड़ताल करने का किया ऐलान। यूपी में सीनियर आईएएस अधिकारी अजय सिंह ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, सीएम योगी ने टीम 11 के साथ दी श्रद्धांजलि। पिछले 5 दिनों में कोरोना के एक्टिव केसों में 38,000 से ज्यादा की कमी, संक्रमितों का आंकड़ा 96 लाख के पार। सीतापुर में लव जिहाद का पहला मामला आया सामने, विशेष समुदाय के युवक के खिलाफ युवती को भगा ले जाने का आरोप। लव जिहाद को लेकर पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ मामला, पुलिस ने 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। चित्रकूट में ग्राम प्रधान के हौसले हुए बुलंद, एक ही परिवार के कई लोगों को जमकर पीटा। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में जातिवाद का हवाला देते हुए मामले को किया रफा दफा। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने लगाई फांसी, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। शाहजहांपुर में एक बुलेरो चालक की हत्या का मामला आया सामने, चालक का शव मिलने से हड़कंप, चालक की गाड़ी में गोली मारकर की गई हत्या। हाथरस के अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। उन्नाव पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा, तंत्र मंत्र के शक में युवक की गई थी हत्या, चचेरे भाई ने साथियों के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। फरुखाबाद में पुलिस की लापरवाही का मामला आया सामने, नाबालिग बच्चे को 4 दिन से हवालात में किया बंद, हवालात में बंद करने का वीडियो हो रहा वायरल। दरअसल नाबालिग बच्चे के परिवार से पड़ोसियों का हुआ था विवाद, झगड़े के बाद दूसरे पक्ष के बुजुर्ग की हुई थी हत्या। संभल में आवारा कुत्तों का आतंक जारी, शहरवासियों का घर से निकलना हुआ दूभर, बाइक सवार बच्चों और बुजुर्ग पर कर रहे हमला। फरुखाबाद में खनन माफियों के बढ़ते हौसले, दलित के खेत में जेसीबी लगाकर किया अवैध खनन, पीड़ित परिवार ने खनन माफियों के खिलाफ की शिकायत। कासगंज में तेज रफ्तार रिफाइंड से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, देर रात आवारा पशु के सामने आने से हुआ हादसा। कासगंज में बच्चे, महिला और युवक में रिफाइंड लूटने की मची होड़, टैंकर पलटने की सूचना मिलते ही आसपास ग्रामीण रिफाइंड भरने पहुंचे। कन्नौज में तेज रफ्तार रोडवेज बस और लोडर में हुई भिड़ंत, हादसे में लोडर सवार 4 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हापुड़ में पुलिस ने 16 अंतरजनपदीय शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, 3 तमंचे, 6 चाकू, 2 गाड़ी सहित भारी मात्रा में चोरी का सामान किया बरामद। एटा में किसान बिलों के विरोध में मोदी सरकार का फूका पुतला, मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का लगाया गया आरोप। एटा में कई किसान संगठनों, राजनीतिक संगठनों और वकीलों ने मिलकर मोदी सरकार का फूका पुतला, पुतला फूकते समय स्थानीय पुलिस भी सहयोग करती नजर आई। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, नमस्कार।